नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल गया होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा कर दी गई है और कितने पदों पर यह भर्ती होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीडी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर है वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से सुनवाने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जिससे कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखें, जिससे कि जानकारी आपको पूरी मिले। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को जानकारी दी गई थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रेस नोट जो जारी हुआ था, उसके अंदर पहले बताया गया कि 70,000 सीटें 70,000 वाले छात्रों को दे दी जाएंगी, लेकिन फिर सरकार की तरफ से दोबारा से नया प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके अंदर यह जानकारी दी गई कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिर्फ उनको 6,000 सीटें दी जाएंगी, इसके अलावा जो भी सीटें यहां से बचती हैं वो सारी सीटें दे दी जाएंगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के लिए। हालांकि छात्रों के मन में सवाल 51,000-97,000 को लेकर है, लेकिन जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है वो क्या कह रहे हैं उनको लेकर आप सभी समझे। उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो आपको यहां से 17,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि सुपर टीईटी की जो भर्ती होने वाली है वो 17,000 पदों पर अलग से देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर जानकारी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से भी दी गई। उनका कहना है कि हमारी तरफ से 6,000 पदों के लिए जो आरक्षण को लेकर विसंगतियां देखने के लिए मिली थी उसको छुपाए जाने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से भी सुन सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्यायसंगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में दो बार शिक्षक भर्ती हुई है, एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया
में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में दो बार शिक्षक भर्ती हुई है, एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से सुना, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो 17,000 पदों पर अलग से जारी किया जाएगा और जो जो 6,000 सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी वो अलग से आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थियों को दी जाएंगी। इस बात को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से एक सही मांग ये हो सकती है छात्रों की कि भाई छात्र तो चाहते थे 51,000 या फिर 97,000 पदों भर्ती आनी चाहिए, ये मुद्दा अलग है। लेकिन अगर बात की जाए पहले एक नज़र के अंदर देखा जाए एक नज़र में तो कहीं ना कहीं छात्रों की जीत हुई है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र यहाँ पे जीते हैं, सरकार झुक गई है। अब आप सभी लगातार प्रेशर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि अभी भी अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो यहाँ से आप सभी को बड़ा नुकसान हो सकता है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 17,000 पदों पर जारी होगा, जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से दी गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।